अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल ज़ाफ़रानी शीर खुरमा, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की बनती है। और चलते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 1 लीटर मिल्क, यानी 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध का यूज़ किया है, और 1 कप सेवैयाँ यानी वार्मिसली, इसे मैंने बारीक वाली सेवैयाँ यूज़ किया है, और 1 कप चीनी यानी शुगर, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे होममेड घी यूज़ करूँगी, और यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले यानी क्लॉस, सिनेमन स्टिक और कार्डमम, लौंग, इलायची और चकला, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यूज़ करूँगी यहाँ पे, काजू यूज़ करूँगी मैं थोड़े से, और थोड़े से पिस्ता। और यहाँ पर मैंने ओवरनाइट सोक करके यहाँ पे ड्राई डेट्स यूज़ करूँगी, इसे मैंने ओवरनाइट सोक करके इसे मैंने बारीक कट कर लिया है कुछ इस तरह से, और थोड़ी सी किशमिश और बादाम, इसे भी मैंने ओवरनाइट सोक करके इसे इसका छिलका निकाल के इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, यानी आलमंड। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ज़ाफ़रान, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और थोड़ा सा खोया यूज़ करूँगी 1/2 कप। और चलते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 1 चम्मच घी का यूज़ किया है, इसे मेल्ट कर लें। अभी ये मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी कटे हुए बादाम यानी आलमंड और काजू और पिस्ता, इन तीनों को मैं सबसे पहले 2 मिनट तक भून लूँगी। अच्छी तरह से इसे लो फ्लेम पर ही भूने। देखिए इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है जो घी का है। अभी नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई डेट्स, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके इसे कट कर लिया था, इसे भी डाल के भून लें। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी किशमिश यानी राइजेंस। अभी ये 2 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। अभी चलते हैं अगले प्रोसेस में। अभी नेक्स्ट मैं उसी पैन में 1 चम्मच घी का यूज़ कर ऐड करके इसे मेल्ट कर लिया, और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सेवैया यानी वार्मिसली, जिसे मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे भूनना होगा लो फ्लेम पर। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब इसमें मैं इसे भी एक बाउल में निकाल लूँगी, और इसे अभी चलते हैं अगले प्रोसेस में। अभी मैं सेम पैन में फिर से 1 चम्मच यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगी खड़े मसाले जैसे कि लौंग, इलायची और चकला, सिनेमन स्टिक, क्लॉस, कार्डमम, और थोड़ा सा भून के इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क यानी दूध, इसे ऐड करके इसे ऐड करने, अब इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान 1 चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, ज़ाफ़रानी शीर खुरमा है ये, इसका ज़ाफ़रानी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आती है। अभी ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारे सेवियाँ, जिसे मैंने 2 पहले भून लिया था, इसे मैं ऐड करके लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक इसे पका लूँगी, यानी इसे कुक कर लूँगी 10 से 12 मिनट तक। देखिए कुछ इस तरह से इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं, और 2 से 3 उबाल आने तक इसे पका लें। इसका स्मेल तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़ाफ़रानी शीर खुरमा, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। अभी नेक्स्ट 10 से 12 मिनट होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। खोया डालने के बाद इसे मिला लें, और मिला के इसे जब तक पकाएं तब तक हमारा खोया जो है मेल्ट ना हो जाए, इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं, और बीच बीच में इसे चलाते ही रहें। देखिए
काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है हमारा स्वीट। अभी देखिए आप, अभी हमारा 10 से 12 मिनट होने के बाद नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी यानी शुगर। मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर यूज़ किया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे 2 बार आने दें, यानी जब तक पकाएं तब तक हमारी चीनी और खोया मेल्ट ना हो जाए, और इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है हमारी सेवियाँ यानी शीर खुरमा। अभी इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी, अब ये रेडी है। इसे मुझे पकाने में करीब 20 से 25 मिनट लगे। नेक्स्ट इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। अभी ये हम चलते हैं सर्व करने के लिए। इसे आप गरम सर्व करें। हमारा ज़ाफ़रानी शीर खुरमा अब रेडी है। आप इसे इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की बनती है। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कैसी लगी। आप फिर से रमज़ान मुबारक। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।